अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मुतशाबिहत जो आपके प्रैक्टिस सेट का 1.2 एक्सरसाइज है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद जकरिया और आप देख रहे हैं संजरी एकेडमी ऑनलाइन लेक्चर पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मुतशाबिहत का एक्सरसाइज 1.2 जो हमको दे करके रखा है। देखेंगे यहाँ पर 1.2 मुसलस के अंदर, मतलब 1.2 एक्सरसाइज के अंदर हमको इसके अंदर कौन सा मसला इस्तेमाल करने का है, मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स, जो इससे पहले वीडियो में मैंने बता चुका है मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स किसे कहते हैं। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो मेरे नहीं देखे हैं तो आप बराए करम आप पहले मेरी पिछली वीडियो जाकर के आप देख लें, ताकि आपको पिछला पूरा डाउट क्लियर हो जाए। अगर पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा तो ये एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने में आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो दोस्तों, अभी हम देखते हैं मुतनासिबत का बुनियादी मसले का अक्स किसे कहते हैं। खाली ये देखने के बाद हम सीधा प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखेंगे, यहाँ पर क्या बोला है मुतनासिबत का। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन के अंदर मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स इस्तेमाल है। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पर क्या बोला, मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स किसे कहते हैं। मुसलस ए बी सी के ज़िला बी सी पर कोई नुक्ता डी लीजिए। यहाँ पर दिखाई दे रहा बी सी नुक्ता पर मैंने क्या लिया, कोई डी लिया है। ऐसा हो के बी ए बटे ए सी बराबर होता है बी डी बटे का होता है डी सी होता है। यहाँ पर देखो बी ए बोला, यहाँ पर देखो बी ए बटे का जगह पर ए सी हो जाएगा, बराबर बी ए बटे का जगह ए सी, बराबर फिर क्या लिखूंगा मैं, बी डी बटे का लिखूंगा मैं डी सी। जहाँ से शुरू करेंगे देखो, यहाँ पर बी ए बटे का जगह ए सी, अब यहाँ से शुरू किया था ना, फिर बराबर डालने का, फिर यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं बी डी बटे का लिखूंगा मैं डी सी। तब शुआ ए डी जाविया बी ए सी, याद रखो इसको बोलते हैं जाविया। जाविया कभी भी कहाँ आता है, बीच में आता है। जाविया कैसे लिखूंगा, देखो जाविया बी ए सी या फिर जाविया सी ए बी, दोनों एक ही है, लेकिन जाविया कभी भी कहाँ आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। अगर ऐसा रहेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, शुआ ए डी जाविया बी ए सी की क्या होती है, नासिफ होती है। नासिफ का मतलब क्या होता है मैं बताना चाहता हूँ। नासिफ का मतलब होता है कि मतलब अगर मान के चलो एक ऐसा मुसलस है, अगर मान के चलो ये पूरा जाविया, अगर ये पूरा जाविया सपोज करो तुमको दे रहा है 60, दे रहा है कितना, दे रहा है 60, अगर इसके बीच में से अगर कोई ऐसी शुआ जाती है, शुआ जाती है तो ये 60 आधा हो जाएगा, तो याला जाविया कितना होगा 30 हो जाएगा, और याला जाविया भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। नासिफ का मतलब यही होता है, मतलब अगर कोई जाविया है वो जाविया को एकदम आधा करके जाता है, क्या करके जाता है आधा, अगर वो आधा करके जाता है तो उसको बोलते हैं नासिफ। क्या बोलते हैं, नासिफ। यहां पर देखो एक और एग्जांपल देकर के बता देता हूं। अगर मान के चलो ये कितना देता है 40 दे रहा है, ये पूरा जाविया कितना दे रहा है 40 दे रहा है, लेकिन अगर मैं जब ये जाविया का अगर मैं नासिफ करूंगा, क्या करूंगा मैं नासिफ, तो नासिफ का मतलब क्या होता है, तब ये कितना जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और ये वाला जाविया कितना जाएगा 20 हो जाएगा। इसको बोलते हैं जाविया का नासिफ का मसला, मतलब इसको बोलते हैं जाविया का नासिफ। ठीक है, अब हमारा ये जो मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स है, हम ये मतलब ये मसला हम किसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, सवाल नंबर एक, सवाल नंबर दो और सवाल नंबर तीन, जो हमारे प्रैक्टिस सेट का 1.2 एक्सरसाइज है। आइए दोस्तों, हम प्रैक्टिस सेट का हम पहला क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखेंगे, ये जो पहला क्वेश्चन देकर के रखा है, देखो इधर पे क्या देकर के रखा है, देखो यहाँ पर दिया है आर पी क्यू का जो नासिफ है, जो नासिफ क्या दे रहा है यहाँ पर पी एम दे रहा है, क्या दे रहा है यहाँ पर पी एम, ये शुआ को हम क्या बोलेंगे, नासिफ बोलेंगे, मतलब ये जाविया और ये जाविया दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने अभी बताया जाविया के नासिफ का मसला कैसा लगता है, जाविया के नासिफ के मसले का अक्स कैसा लगता है मैंने बताया था, क्या कैसा लग गया देखो इधर पे, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं आर पी बटे क्या लिखूंगा मैं पी क्यू, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा देखो इधर पे, पहले से एक काम करो दिया हुआ ऐसा लिख लो, यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं क्यू एम बराबर होता है किसके बराबर है 3.5, और क्या देकर के रखा है एम आर, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं एम आर बराबर होता है 1.5 के, और यहाँ पर क्या दिया है क्यू आर, क्या दिया है क्यू आर, क्यू आर कितना देकर के रखा है 7 दिया है, और पी आर कितना देकर के रखा है, पी आर देकर के रखा है तुमको 3 देकर के रखा है। यहाँ तक समझ में आ गया है ना, अब आगे देखेंगे। अब उसके बाद हमको इसके अंदर जाविया के नासिफ का मसला लगाना है। जाविया के नासिफ का मसला इसमें क्यों लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर चारों जिले देकर के रखा है। देखो याले जिले का भी 7 दिया है, याले जिले की भी कीमत दी हुई है, और ये जिले की भी कीमत दी हुई है, और ये जिले की भी कीमत दी हुई है, जिसमें चारों जिले की कीमत दी रहेगी और वो जाविया का नासिफ हो, तब उसके अंदर कौन सा मसला लगता है, जाविया के नासिफ के मसला कौन सा लगेगा, जाविया के नासिफ के मसले का अक्स लगेगा। ठीक है, आगे देखेंगे, यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, पहले आर पी, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मैं आर पी बटे, क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं पी क्यू, यहाँ पर क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं पी क्यू बराबर होता है। एक बात याद रखना, ये जहाँ पर एम है ना, ये एम वाला, अभी मैंने कहाँ से शुरू किया, आर से ना, आर पी बटे क्या लिखा मैंने पी क्यू लिखा, फिर अब इसके बाद देखो आर पी क्यू वाली कीमत कितना दे रहा है, आर पी
आरपी की कीमत कितना दे रहा है, आरपी कितना दे रहा है तुमको, तीन दे रहा है, तो अपर में क्या लिखूंगा मैं तीन, फिर बटे पी क्यू कितना दे रहा है, पी क्यू कितना दे रहा है तुमको सात दे रहा है, यहाँ सात हो जाएगा। ये दोनों क्या कैंसिल होंगे क्या, अभी नहीं, अशारिया में जाएंगे, लेकिन अशारिया में अपने को लाना नहीं है, इसको मसावत नंबर क्या देने का, एक देने का, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखेंगे, अभी मैंने कहाँ से शुरू किया था बेटा, आर पी से शुरू किया था ना, अब जब दूसरी मरतबा लूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, आर एम बटे क्या लिखूंगा मैं, एम क्यू लिखूंगा, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा मैं, आर एम बटे क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं, एम क्यू लिखूंगा, ये बराबर होता है। अब वैल्यू रखने का, आर एम क्यू कितना दे रहा है इधर पे, आर एम क्यू कितना दे रहा है इधर पे 1.5, फिर बटे, फिर उसके बाद एम एम क्यू की वैल्यू कितना दे रहा है 3.5, यहाँ पर लिखूंगा मैं 3.5, ये पॉइंट और ये पॉइंट कैंसिल हो गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे, तभी क्या बचेगा यहाँ पर, ये आर एम बटे एम क्यू बराबर होता है कितना आएगा 15 बटे कितना जाएगा 35 जाएगा, यहाँ तक समझ में आ गया ये। अब देखेंगे पाँच, अभी कैंसिल करो, पाँच तिया 15, पाँच सत्ते 35, यहाँ तक समझ में आया, आगे देखेंगे, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ मैं, आर एम बटे एम क्यू बराबर होता है 3 बटे कितना जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा, ये अपना आंसर, ये इसको मसावत नंबर कितना देता हूँ मैं, 2 देता हूँ मैं, यहाँ तक समझ में आ गया है, इसको मसावत नंबर क्या देता हूँ मैं, 2। अब यहाँ पर मैं ऐसा लिख देता हूँ, अब मसावत एक और दो की बिना पर, मसावत एक और दो की बिना पर, मसावत एक और दो देखो, मसावत एक में मसावत देखो यहाँ पर भी कितना आ रहा है 3/7 आ रहा है, और यहाँ पर भी कितना आ रहा है 3/7 आ रहा है, तो ये दोनों अगर इक्वल है तो फिर ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल ही होंगे ना, तो इसलिए यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या लिखूँगा यहाँ पर मैं, आर पी बटे क्या लिखूँ यहाँ पर मैं, पी क्यू बराबर होता है आर एम बटे क्या जाएगा वहाँ पर, एम क्यू, यहाँ तक समझाए। यहाँ पर रीज़न क्या लिखूँगा मैं, यहाँ पर रीज़न क्या लिखूंगा मैं, मुसल्लस के जावी के नासिफ के मसले का अक्स, यहाँ पर लिखूंगा मैं मुसल्लस के जावी के नासिफ का, नासिफ के मसले का अक्स, ये रीज़न लिखना रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ, इसलिए क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं, शुआ पी एम, क्या लिखूंगा मैं, शुआ पी एम, ऐसा लिखूंगा मैं, शुआ पी एम, शुआ पी एम आर पी क्यू का जाविया, आर पी क्यू का जाविया, आर पी क्यू का नासिफ है, यहाँ तक समझाए। नासिफ कब बोलेंगे, जब ये दोनों इक्वल आएंगे, देखो ना यहाँ पर 3/7 आया और यहाँ पर भी 3/ क्या आया 7, अगर दोनों सेम आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जाविया के नासिफ के मसले का अक्स, यहाँ तक समझाए। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तब, अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो हम क्या लिखेंगे कि मतलब शुआ पी एम जाविया आर पी क्यू का नासिफ है, बस इतना करना है। तो आइए दोस्तों, अब हम प्रैक्टिस सेट का 1.2 का पहले का दूसरा सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, मैंने इसे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर ना सवाल नहीं लिखा था, ये मुझसे गलती हो गई है, आप क्वेश्चन नंबर 1 के लिए टेक्स्ट बुक रेफर कर लीजिए, ठीक है। आगे देखेंगे, जेल में कुछ मुसल्लस और कुछ कतात की लंबाई दी हुई है। देखो यहाँ पर, ये देखो ये लंबाई है, इसकी लंबाई दे करके रखी है, इसकी भी लंबाई दे करके रखी है, इसकी भी लंबाई दे करके रखी है, और इसकी भी लंबाई दे करके रखी है। आगे देखेंगे, इनकी मदद से बताइए कि किस शक्ल में जाविया पी क्यू पी आर, जाविया कभी भी कहाँ पर आता है, बीच में आता है, जाविया क्यू पी आर, जाविया क्यू पी आर कहाँ दे रहा है, जाविया क्यू पी आर, तुम जाविया क्यू पी आर लिखो या फिर आर पी क्यू लिखो, कभी भी जाविया कहाँ पर आता है, हमेशा बीच में आता है, याद रखना। आगे देखेंगे कि नासिफ शुआ पी एम है या नहीं, मतलब मेरे को ये बताना कि पी एम जाविया पी आर पी क्यू की नासिफ है या नहीं है। तो मैंने नासिफ का मतलब बता दिया है, नासिफ का मतलब क्या होता है, कोई भी शुआ जब किसी जाविये को आधा करके आती है, क्या करके आती है, आधा, तो उसको क्या बोलते हैं, जाविये का नासिफ। यहाँ देखेंगे, अगर ऐसा एक मुसल्लस है, अगर मान के चलो ये 50 है, ये पूरा जाविया कितना दे रहा है 50, अगर यहाँ से कोई शुआ से नासिफ होकर के जा रही है तो ये जाविया कितना जाएगा 25 हो जाएगा, और ये जो जाविया बच गया वो भी कितना जाएगा 25 हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, नासिफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नासिफ। अब आगे देखेंगे, ये हम सवाल को हल करते हैं, अभी यहाँ से मैं हल शुरू करता हूँ, ठीक है। हल क्या है यहाँ पर, सबसे पहला क्या क्या दिया वो लिख देता हूँ मैं, आर पी, आर पी के लिए कितना दे करके रखा है, आर पी बराबर होता है कितना दिया 7, और क्या दिया है पी क्यू, तो यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू कितना दे करके रखा है 10 बराबर। अब देखो मैंने, अब उसके बाद क्या दे रहा है, आर एम, आर एम की वैल्यू कितना दे रहा है, आर एम बराबर होता है कितना दे रहा है 6, इसके बाद एम क्यू, एम क्यू कितना जाएगा वहाँ पर, वो एम क्यू कितना जाएगा वहाँ पर, वो 8 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया है, अब आगे देखेंगे। उसके बाद अपना जाप्ता क्या होता है, थ्योरम पढ़ाया था मैंने, क्या था उसके अंदर, आर पी बटे क्या लिखूंगा मैं, पी क्यू, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा मैं,
आर पी बटे क्या लिखूं यहां पर मैं पी क्यू बराबर होता है आर पी क्यू कितना देकर के रखा तुमको आर पी कितना देकर रखा तुमको सात बटे पी की वैल्यू कितना देकर के रखा तुमको 10 दिया है बराबर। ये दोनों एक दूसरे के टेबल में आते हैं क्या नहीं तो कैंसिल नहीं होंगे कैंसिल होंगे लेकिन आशार्य में जाएंगे तो आशार्य में हमको लाना नहीं है इसको मसावत नंबर कितना दूंगा मैं एक। उसके बाद अभी मैंने कहां से शुरू किया था बेटा आर से शुरू किया था ना आर पी बटे पी क्यू लिया था ना अब दूसरी बार क्या लिखूंगा मैं आर एम बटे क्या लिखूंगा मैं एम क्यू तो अपर में क्या लिखूंगा मैं आर एम बटे क्या लिखूंगा अपर में एम क्यू बराबर होता है आर एम के लिए देखो यहाँ पे कितना दिया 6 दिया है बटे उसके बाद कितना दिया एम क्यू दिया है तो यहाँ पर एम क्यू कितना दे के रखा है 8। ये दोनों एक दूसरे के टेबल में आते हैं ना दो के पाड़े में आते हैं दो के पाड़े से कैंसिल करो 2 3 6 2 4 8 अभी कितना गया 3 बटे कितना हो गया 4 आ गया तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं आर एम बटे क्या जगह पर ये एम क्यू बराबर 3 बटे कितना जगह पर ये 4 ये मसाला नंबर कितना जाएगा 2। अब एक बात बताओ इसके अंदर मसावत 1 और मसावत 2 इक्वल है क्या देखो इधर पे यहाँ पे 7/10 आ रहा है यहाँ पे 3/4 आ रहा है तो ये दोनों इक्वल है क्या अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो ये दोनों भी बराबर होंगे क्या नहीं होंगे तो यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ मैं क्या लिख सकता हूँ मैं मसावत 1 और 2 की बिना पर मसावत 1 क्या दिखा दे रहा है मसावत 1 है ना तो अपन में क्या लिखूंगा मैं आर पी बटे क्या लिखूंगा अपन में पी क्यू बराबर और क्या यहाँ पर ये आर एम बटे क्या यहाँ पर ये एम क्यू दोनों आपस में बराबर है क्या नहीं दोनों आपस में बराबर नहीं है बात समझ में आ रही है दोनों आपस में बराबर नहीं है इसलिए यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं इसलिए शुआ यहाँ पर क्या लिखूंगा शुआ पी एम क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं शुआ पी एम जाविया आर पी क्यू का जाविया आर पी क्यू का नासिफ नहीं है नहीं है यहाँ तक समझाए यहाँ पर ये अपने को सॉल्व करने का था इतना करने का था हमको। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखना यहाँ पर मैंने रीज़न नहीं लगाया है क्यों नहीं रीज़न लगाया है क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है वो दोनों अगर बराबर होते थे तब मैं यहाँ पर लिखता था मुसलस के जावी के नासिफ के मसले का अक्स लेकिन अभी बराबर है क्या नहीं इसलिए यहाँ पर मैं रीज़न नहीं लगाऊंगा मैं बात समझ में आ रही है। तो दोस्तों अभी ये क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है जो सवाल नंबर 3 है मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का सवाल नंबर 3 है। अब देखिए यहाँ पर वापस से देखो ये तो अब समझ में आ गया होगा पूरा क्वेश्चन उसके बाद देखेंगे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मैं जो दिया हुआ है पूरा जो दिया हुआ है क्या क्या दिया हुआ है देखो इधर पे आर पी की वैल्यू कितना दे करके रखा है आर पी की वैल्यू कितना दिया 10 दिया है और पी क्यू पी की वैल्यू कितना दे करके रखा है तुमको 9 दिया है। उसके बाद मैंने कहाँ से शुरू किया था आर से शुरू किया था ना आर पी और क्या लिखा मैंने पी क्यू उसके बाद क्या ले रहा हूँ मैं आर एम तब पर क्या लिखूंगा मैं आर एम बराबर होता कितना 4 और क्या जाएगा एम क्यू तब पर क्या लिखूंगा मैं एम क्यू कितना है वहाँ पर 3.6 है याद समझा ये पूरा अपने को दिया हुआ था। अब उसके बाद हम सीधा मसला लगाते हैं क्या मसला है इसके बाद देखेंगे आर पी बटे क्या लिखूंगा मैं पी क्यू ये जो लाइन आती है ना बेटा जिस पर टच होती है ये लाइन को एक साथ में लेने का ठीक है अभी ये दोनों को एक साथ में ले रहा हूं मैं तो पर क्या लिखूंगा मैं आर पी बटे क्या जगह पर पी क्यू हो जाएगा अपर क्या लिखूंगा मैं पी क्यू इसकी कीमत क्या दी हुई है आर पी के लिए कितना दे करके रखा है आर पी के लिए कितना दिया 10 दिया है तो अपर क्या लिखूंगा मैं 10 बटे पी की वैल्यू कितना देकर के रखा पी की वैल्यू कितना दिया है 9 दिया है ये मसाला नंबर कितना जाएगा 1 हो जाएगा। देखो मैंने इसको ऐसे सीरियल नंबर में लिख करके रखा है आप आगे पीछे भी लिखेंगे तो भी कोई मसला नहीं है लेकिन इसके अंदर आपको बराबर लिखना रहेगा। अब देखो उसके बाद मैंने कहाँ से शुरू किया था आर पी से ना यहाँ से शुरू किया था अब दूसरी बार याद लूंगा मैं तो यहाँ पर क्या लूंगा मैं आर एम बटे क्या लिखूंगा मैं एम क्यू यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं आर एम बटे क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं एम क्यू ये बराबर होता है आर एम के लिए कितना दे करके रखा है 4 बटे उसके लिए कितना दे करके रखा है 3.6 दिया है। अच्छा एक बात बताओ यहाँ पर क्या दे रहा है आचार्य दे रहा है जब नीचे से आचार्य हटता है तो ऊपर 0 बढ़ता है और ऊपर से आचार्य बढ़ता है हटता है तो नीचे 0 बढ़ता है लेकिन इसमें कितना 0 बढ़ेगा आचार्य के बाद कितना नंबर है 1 नंबर है ये 6 नहीं है मतलब नंबर बताओ नंबर कितना है 1 है तो जब एक आचार्य हटेगा आचार्य के बाद कितना नंबर 1 तो ऊपर कितना 0 बढ़ेगा 1 अगर 2 होता तो 2 3 होता तो 3 0 बढ़ता था लेकिन अभी कितना आचार्य हटाया मैंने 1 और आचार्य के बाद कितना नंबर है 1 नंबर तो इसलिए ऊपर क्या कितना 0 बढ़ेगा 1 बढ़ेगा यहाँ तक समझ में आया। देखिए यहाँ पर तब पर क्या लिखूंगा मैं आर एम बटे यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं एम क्यू बराबर होता है देखो 10 × 4 = 40 × 9 = 36 बराबर 4 × 40 = 36 तब पर क्या लिखूंगा मैं 10 / कितना जाएगा 9 ये मसावत नंबर कितना जाएगा 2 जाएगा यहाँ तक समझाए मसावत 1 और मसावत 2 देखो इक्वल आ रहे हैं ना अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तब मैं क्या बोलूँगा मैं देखो इधर पे ऐसा लिख सकता हूँ मैं क्या लिखूंगा मैं मसावत
मसावत एक और दो की बिना पर, बिना पर मसावत एक और, मसावत एक और दो की बिना पर, है ना। उसके बाद क्या लिखूंगा मैं, मसावत देखो, मसावत देखो, अगर ये इक्वल है, ये और ये दोनों आपस में इक्वल है ना, अगर ये दोनों इक्वल है तो फिर ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, है ना। यहाँ पर क्या लिखा मैंने, आर पी बटे क्या लिखा मैंने, पी क्यू बराबर होता है, किसके बराबर होता है, इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, आर एम बटे क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं, एम क्यू। ये दोनों बराबर आ गए ना, अगर ये दोनों बराबर आ गए तो यहाँ पर मैं रीजन क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पर रीजन क्या लिखूंगा मैं, मुसल्लस के जाविये के नासिफ का मसला, क्या लिखूंगा पे, मुसल्लस के जाविये के नासिफ के मसले का अक्स, मसले का अक्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, इसलिए, इसलिए शुआ पी एम, शुआ पी एम नासिफ है, किसके नासिफ है, जाविया, क्या लिखूंगा मैं, क्यू पी आर या फिर आर पी क्यू, दोनों सेम ही है। तो पर मैं क्या लिखूंगा मैं, इसलिए शुआ, मार्कर चेंज कर लेता थोड़ा, इसलिए, इसलिए शुआ पी एम, पी एम जाविया, क्या लिखूंगा, आर पी क्यू का, आर पी क्यू का नासिफ है। बस इतना करना है। तो दोस्तों अभी तक जो मैंने पढ़ाया है आपको, अगर वाकई में इसको समझ में आया है आपको, तो इसको, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर बेल आइकन को भी प्रेस करें और एक छोटी सी कमेंट पास करें, ठीक है।